Hello everyone, myself Soumendra Sharma, and now we continue. Remainder theorem based questions. Clear? So our next question is, find the remainder. Remainder find karna when? Polynomial is x ki power 3 minus ax square plus 6x minus a is divided by x minus a. Yani jo polynomials humko given hai ye wala, ye divide kisse hona chahiye? X minus a se. Clear hai? Yes, beta. To let एफ एक्स इक्वल टू, हमने इसको एफ एक्स के इक्वल लेट कर लिया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर थ्री माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए. क्लियर है? सिंस एक्स माइनस ए इज फैक्टर ऑफ ए, फैक्टर ऑफ एफ एक्स. एफ एक्स का क्या है? ये फैक्टर है. क्लियर है? तो भाई कौन सी थ्योरम बेटा? नेक्स्ट रिमाइंडर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है? रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है? रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है? सो एक्स इक्वल टू ए, सो एक्स इक्वल टू ए. क्लियर है? पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट में हमको क्या पुट करना है? एक्स इक्वल टू क्या पुट करना है बेटा? ए पुट करना है. तो बताओ बेटा, तो नाउ एफ ए इज इक्वल टू ए की पावर थ्री माइनस ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस सिक्स मल्टीप्लाई ए और माइनस ए. क्लियर है? क्वेश्चन ने कहा है कि फैक्टर है, तो फैक्टर तो 100% वो रिमाइंडर थ्योरम में आया, क्योंकि यानी ये फैक्टर है, डिवाइड करेगा इसको, ठीक है? नहीं, ठीक है. तो एक्स इक्वल टू ए इसका क्या हो गया? जीरो हो गया, ठीक है? तो एक्स इक्वल टू ए हमने एक्स की जगह क्या कर दिया बेटा? पुट कर दिया. तो क्या आया बेटा रिमाइंडर? एक्स माइनस ए, सॉरी एक्स ए इज इक्वल टू ए की पावर थ्री माइनस ए की पावर थ्री प्लस सिक्स में से इन एस करेंगे तो बेटा फाइव है. डेट्स इज पॉजिटिव एंड डेट्स इज नेगेटिव, कैंसिल इट. सो एफ ए इज इक्वल टू फाइव. सो जो बेटा फिर हम कर लिख सकते हैं बेटा, थस क्लियर है, रिमाइंडर इज फाइव. तो रिमाइंडर क्या हो गया बेटा इसका? फाइव. क्लियर है बेटा? यस. एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, यस बेटा, क्वेश्चन है डिवाइड डिवाइड द पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स की पावर फोर प्लस सेवन एक्स की पावर थ्री प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस के थ्री एक्स. क्लियर? सेवन एक्स बोल सेवन एक्स माइनस नाइन बाई एक्स प्लस वन. क्लियर है? यानी ये फैक्टर एफ एक्स वाला किससे डिवाइड है? एक्स प्लस वन से. इसको हमको क्या करना है? डिवाइड करना है. तो बस बेटा सेम प्रोसेस है बिल्कुल. क्लियर है? सिंस नहीं डायरेक्ट बेटा देखो, बाय डिवीजन, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है बेटा? लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, दैट इज डिविडेंड, वी राइट इट टू एक्स की पावर फोर प्लस सेवन एक्स की पावर थ्री प्लस फोर एक्स की स्क्वायर माइनस सेवन एक्स और माइनस के नाइन. क्लियर है बेटा? एंड दैट इज डिविजर एक्स प्लस. क्लियर? अब हमको मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस वन को, ताकि वैल्यू हमारे पास क्या आ जाए? टू एक्स की पावर फोर. नाउ वी टेक डिविडेंड फर्स्ट वैल्यू एंड वी टेक डिविजर फर्स्ट वैल्यू एंड डिवाइड इच अदर एक्स टू एक्स की पावर थ्री टाइम. सो रिजल्ट इज कम. क्लियर है? क्लियर. नाउ वी मल्टीप्लाई टू एक्स की पावर थ्री टू एक्स प्लस वन, देन वैल्यूज कम्स टू टू एक्स पावर फोर. यस बेटा, यानी कि हम 2x की पावर 3 को x प्लस 1 वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर रिजल्ट क्या आता है? 2x की पावर 4. बाकी भी आएगा वो देखेंगे नहीं, बस सिर्फ फर्स्ट वाली वैल्यू मानी चाहिए पहले, कंपलसरी है. तो मल्टीप्लाई 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का तो 2, x की पावर 3 प्लस x की पावर 1 x की पावर 4 प्लस 2x को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो बेटा 2x की पावर 3. नाउ माइनस माइनस कैंसिल, पॉजिटिव और डर से नेगेटिव, सिंबल चेंज करने के बाद 7x क्यूब में से 2x की पावर 3 लेस करेंगे तो बेटा 5x की पावर 3 प्लस का प्लस
4 का 4, x स्क्वायर का x स्क्वायर, माइनस 7x और माइनस के 9। क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा? यस बेटा। नेक्स्ट बताओ बेटा। हाँ, अब हमको क्या चाहिए बेटा, 5x की पावर 3। क्लियर है? तो नाउ वी टेक 5x की पावर 3 और अपॉन x वी डिवाइड बाई x, सो द रिजल्ट इज कम 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर। नाउ वी मल्टीप्लाई x प्लस 1 टू 5x स्क्वायर, यानी x 5x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 से, तो x की पावर 3 प्लस x 5x स्क्वायर को मल्टीप्लाई 1 से करना है, तो प्लस के 5x स्क्वायर माइनस एंड माइनस और कैंसिल, 4x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर लेस करना है, तो वैल्यू इसका x स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 7x और माइनस के 9। क्लियर है? अब बेटा अब मल्टीप्लाई करना है हमको, ठीक है, कितना x से मल्टीप्लाई करना है कि वैल्यू आ जाए हमारे पास माइनस x स्क्वायर। क्लियर है? नाउ वी मल्टीप्लाई माइनस x, सो मल्टीप्लाई माइनस x स्क्वायर, यस बेटा, और माइनस के x, ठीक है बेटा। नाउ चेंज द सिंबल्स, और दैट इज पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव, दैट इज पॉजिटिव, सो बिकम द 0, 7x स्क्वायर, सो 7x और दैट इज प्लस x, नाउ वैल्यू इज 6x और माइनस के 9। क्लियर? अब हमको वैल्यू क्या चाहिए, माइनस के 6x और वैल्यू है हमारे पास x, नाउ वी मल्टीप्लाई माइनस 6। क्लियर? मल्टीप्लाइड माइनस के 6x का x और माइनस 6 मल्टीप्लाई 1, तो कितना आएगा बेटा, माइनस के 6। नाउ चेंज द सिंबल, प्लस दैट्स इज प्लस, दैट्स इज नेगेटिव, दैट्स इज पॉजिटिव, टोटल रिजल्ट 0 है। तो और देखो ये 6x 6 प्लस के हैं और 9 किसके हैं बेटा, नेगेटिव, देन वैल्यू कम टू 3, ठीक है। यस बेटा, इधर देखो, सो वी कैन सी दैट, यस बेटा, सो कोशेंट, कोशेंट इक्वल टू, यस बेटा, कोशेंट क्या आएगा बेटा, 2 एक्स की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6, माइनस एक्स और माइनस 6 एंड रिमाइंडर, यस बेटा, रिमाइंडर इज माइनस 3। यस बेटा, क्लियर है बेटा? यस, थैंक यू।